क्लास 9th. आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है चैप्टर नंबर 5 का. कल हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा था, आज हमने उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करनी है चार्ल्स लॉ की. अगेन आप लास्ट जो आपके पास इक्वेशन बनी थी वो थी V1 over T1 is equal to V2 over T2. ठीक है, उसी के बेस पे हमने आज इसको एक्सप्लेन करना है, इसको वेरीफाई करना है. तो सर्टेन गैस, टेक अ स्ट्रेन गैस ऑफ इन इनक्लोज सिलेंडर. एक सिलेंडर में आप गैस लें जिस उस सिलेंडर का पिस्टन क्या हो, मूवेबल हो. ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री है और इनिशियल वॉल्यूम क्या है, 50 cm³. ठीक है, नेक्स्ट क्या आप हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे. टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया 100 डिग्री हो गया. एज हमें पता है कि टेम्परेचर और वॉल्यूम में चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली रिलेशन होता है. तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो हमारा वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज. वॉल्यूम 50 से 62.5 cm³ हो गया. तो इससे हमें पता चल गया था इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द वॉल्यूम डेट कैन बी ऑब्जर्व एज एलिब्रेटेड ब्लो इन द फिगर 5.2. ठीक है, इस तरह हमारा पता चल गया, जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो गया. तो इससे हमें पता चल गया कि हमारे टेम्परेचर और वॉल्यूम में डायरेक्ट रिलेशन है. अब चार्ल्स लॉ कोई इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल में हमारे पास फर्स्ट वॉल्यूम cm³ बता रहा है कि आपके पास वॉल्यूम है V1 और ये आपके पास है T1 डिग्री में. नेक्स्ट उन्होंने आपको दिया हुआ V2 cm³ है, पता चल रहा है कि V2 है, चेंज हो गया वॉल्यूम. अब वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर फाइंड आउट करें, टेम्परेचर कितना है. वॉल्यूम हमने लिख लिया, टेम्परेचर लिखा और V2 भी लिख लिया. ठीक है, टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो केल्विन होता है और आपने ये पढ़ लिया हुआ है कि डिग्री को केल्विन में किस तरह चेंज किया जाता है. इसके लिए फार्मूला K = C + 273. सी हमारे पास कितना है, -30. तो -30 प्लस 273, जब इसको सॉल्व किया आंसर है 243 K. हमारे पास ये इक्वेशन है जो हमने लास्ट में चार्ल्स लॉ के लास्ट में हमने कंक्लूड की थी. हमारे पास इक्वेशन है V1 T1 = V2/T2. हमने T2 फाइंड आउट करना है. तो T2 को इधर डिवीजन में है, इज इक्वल टू दूसरी तरफ आगे वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, V1 / T1 × T2 = V2. क्योंकि हमने T2 फाइंड आउट करना है तो हमें ये वाले वेरिएबल्स इक्वेशन के दूसरी तरफ, इज इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाने पड़ेंगे. इधर ये T1 डिवाइड हो रहा है V2 के साथ, ये जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो ये हमारा क्या बन जाएगा, V2 × T1. इधर V1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये इधर डिवाइड हो गया. नेक्स्ट हमने इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करनी है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट पेज नंबर 83 पे हमारे पास एग्जांपल 5.4 है. ये भी एज इट इज़ ऐसे है, आपके पास वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1. नेक्स्ट उन्होंने आपको टेम्परेचर T2 दिया हुआ है और आपने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम V2. अगेन आपके पास टेम्परेचर डिग्री में, आप उसको केल्विन में चेंज करेंगे, वही फार्मूला लगेगा C + 273. यानी कि 30 में प्लस 273 किया तो 303 आया, 100 में 273 प्लस किया तो 373 आया. आपने V2 फाइंड आउट करना है, वही इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये T2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, V = V1 T2 / T1. इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करें और उनको सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.